हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुकौशल एकेडमी ऑफ कॉमर्स। फ्रेंड्स, हम स्टैट का एक टॉपिक करेंगे आज, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। ये क्या होता है, इसके सारे बेसिक्स, कंट्रोल चार्ट्स, टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट, जिसमें हम एक्स चार्ट, आर चार्ट, सी चार्ट, पी चार्ट, चारों चार्ट्स करेंगे क्या होते हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं क्वालिटी से। क्वालिटी क्या होती है? क्वालिटी इज द सम ऑफ एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब ए प्रोडक्ट। दीज आर जनरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज लेंथ, विड्थ, वेट, कलर एक्सेट्रा। यानी कि किसी भी एक प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम मान के चलते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें होगी तब वो क्वालिटी प्रोडक्ट होगा, तो वो उसकी क्वालिटी होती है। यानी कि वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं, स्पेसिफिक उसके प्रॉपर्टीज है, उन्हीं को हम बोलते हैं क्वालिटी। ये लेंथ, विड्थ, वेट, कलर कुछ भी हो सकती है, और सारी चीजें मिलके ही क्वालिटी बनाती है प्रोडक्ट की। अब ये क्वालिटी एज पर द स्टैंडर्ड है या नहीं है, उसको हम चेक करने के लिए, उसको हम जो चेक करते हैं उसी को हम बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल। सो क्वालिटी कंट्रोल मीन्स दोज एक्टिविटीज विच एश्योर दैट क्वालिटी क्रिएशन इज परफॉर्म्ड इन सच ए मैनर दैट द रिजल्टिंग प्रोडक्ट विल परफॉर्म इट्स इंटेंडेड फंक्शंस। तो अब ये क्वालिटी जो कंट्रोल है, ये हम थ्री स्टेजेस पे कर सकते हैं, जैसे जब प्रोडक्ट इनपुट स्टेज पे है, कन्वर्जन स्टेज पे है, या फिर आउटपुट स्टेज पे है। इनपुट स्टेज पे क्या होगा कि रॉ मटेरियल, पार्ट्स एंड सप्लाईज, एक्सेप्टेंस टेस्ट करेंगे, फिर क्वालिटी ऑफ इनपुट चेक करेंगे कि एज पर द स्टैंडर्ड क्वालिटी का वो जो रॉ मटेरियल है वो या नहीं है। अगर वो नहीं है तो उसको हम इनपुट स्टेज पे ही रिजेक्ट कर देंगे, कन्वर्जन में जाने की जरूरत ही नहीं है। और फिर अगर वो इनपुट स्टेज पे हमारी क्वालिटी सही है, एज पर द स्टैंडर्ड्स है, तो हम कन्वर्जन में फिर चेक करेंगे। इसमें हम प्रोडक्शन प्रोसेस को चेक करेंगे, कंट्रोल चार्ट्स की हेल्प से देखेंगे, सैंपल लेके देखेंगे कि जो सैंपल है उसकी, जो मैन्युफैक्चर हुआ है, सेमी फिनिश गुड्स हैं, उन वो कंट्रोल चार्ट्स की हेल्प से देखेंगे कि उनमें कोई वेरिएशन तो नहीं है। फिर आउटपुट्स की स्टेज पे जब होंगे तब भी ऐसे ही, जो फाइनल गुड्स हैं उनका सैंपल लेके उनको देखेंगे कि वो एज पर द स्टैंडर्ड क्वालिटी है या नहीं है, या उनमें कोई वेरिएशन है या नहीं है। अगर वेरिएशन है तो वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें हम क्वालिटी कंट्रोल में करते हैं। अब क्वालिटी कंट्रोल में वेरिएशंस हो सकते हैं, वो वेरिएशन हो सकते हैं, तो उन वेरिएशंस को ही चेक करके उनके लिए रिमेडियल एक्शंस लेना, उसी को बोलते हैं हम क्वालिटी कंट्रोल। और जब हम ये सारी चीजें स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की हेल्प से करते हैं तब हम उसे बोलते हैं स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। यानी कि स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल क्या है? इट इज द एप्लीकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टूल्स टू प्रोसेस to ensure the continuous improvement in quality of a product, service or the productivity in the workforce। यानी कि product या service की जो quality है वो check करते हैं जब हम statistical tools की help से, तब हम उसको बोलते हैं statistical quality control। अब types of variation क्या क्या हो सकते हैं किसी product में, या product की quality में variation दो तरह से हो सकते हैं। एक तो क्या होगा कि जो नॉर्मल वेरिएशन है, जो कि होगा ही, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और दूसरा होता है असाइनेबल वेरिएशन, जिनको, जो कि नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होता है। अगर हमारी कोई प्रोसेस रॉन्ग है, कोई टूल अगर गलत है, कोई रॉ मटेरियल इम्प्रॉपर है, या हमने प्रोसीजर इनकरेक्ट यूज किया है, उस टाइम पे जो वेरिएशन होगा वो असाइनेबल वेरिएशन होगा हमारी क्वालिटी में। तो जब तक हमारा जो वेरिएशन है वो रैंडम वेरिएशन तक की स्टेज पे है, यानी कि जो भी क्वालिटी में थोड़ा बहुत प्लस माइनस हुआ है वो रैंडम वेरिएशन मानेंगे हम उसको, तब तक हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये जो रैंडम वेरिएशन है, ये मैनेजमेंट की वजह से हो सकते हैं, मैनेजमेंट मैनेजीरियल इश्यूज की वजह से हो सकते हैं, तो इनके लिए मैनेजमेंट जिम्मेवार होती है। लेकिन जो असाइनेबल कजिज है, ये हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू होते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस में अगर कोई कमी है, कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, तब हमारे होते हैं असाइनेबल कजिज, यानी कि जिसको हम कंट्रोल कर सकते थे और वो कंट्रोल नहीं हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं कोई लूप होल्स है, तो असाइनेबल कजिज होते हैं।
स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल हमें क्या बताता है कि किस लेवल तक के हमारे रैंडम वेरिएशन मानेंगे हम, कहाँ तक हम ये मानेंगे कि रैंडम वेरिएशन है और कहाँ हम ये मानेंगे कि असाइनेबल वेरिएशन है, और अगर वो असाइनेबल वेरिएशन है तो हम देखेंगे किन सैंपल्स में असाइनेबल वेरिएशन है और तब हमें उनका क्या करना है, क्वालिटी को एक्सेप्ट रिजेक्ट कर डिसीजन कैसे लेना है, वो हम देखते हैं स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल की हेल्प से। इसमें हम कंट्रोल चार्ट्स देखते हैं। अब ये कंट्रोल चार्ट्स में ये लिमिट्स होती हैं, अगर वो नॉर्मल कर्व है तो इन लिमिट्स के अंदर होगा वेरिएशन, यानी कि इसकी क्वालिटी इनके अंदर आएगी, तब हम उसे बोलेंगे नॉर्मल वेरिएशन। अगर वो इन ग्रीन लाइन जो ये लिमिट है, इनको क्वालिटी लिमिट्स बोलते हैं, कंट्रोल लिमिट्स बोलते हैं, अगर ये इन कंट्रोल लिमिट्स के बाहर है तब वो असाइनेबल वेरिएशन है, यानी कि उसको हमें एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि ये ठीक है। अगर वो नॉर्मल है तब तक वो ठीक है, इनके बाहर है अगर तो वो ठीक नहीं है, फिर उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। ये सब हम कंट्रोल चार्ट्स की हेल्प से कैसे देखते हैं, वो चीज देखिए, डिस्कस करते हैं। ये देखो, अब जो ये लिमिट्स हैं इसमें हमारी होती है, ये सेंट्रल लिमिट होती है और ये हमारे सैंपल हैं, ये सैंपल की क्वालिटी है, ये हमारी सेंट्रल लिमिट है कि यहाँ ये क्वालिटी हमारी होनी चाहिए, ये स्टैंडर्ड क्वालिटी है जो ये बीच वाली लाइन है। इसके अलावा ये जो अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट, यानी कि यहाँ तक के वेरिएशन हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये हम ये मानते हैं कि अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के बीच में जो भी वेरिएशन है वो रैंडम वेरिएशन है, और ये रैंडम वेरिएशन की लिमिट हम कैसे फिक्स करते हैं, ये 3 सिग्मा से फिक्स करते हैं। नॉर्मल कंडीशन में ये 3 सिग्मा से की हेल्प से फिक्स किया जाता है कि 3 सिग्मा तक प्लस माइनस होगा तो वो रैंडम वेरिएशन ही है, उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे भी गिवन होता है कि हमारी जैसे कंपनी में कि 2 सिग्मा तक ही हम एक्सेप्ट कर सकते हैं या 1 सिग्मा तक ही एक्सेप्ट करेंगे, तो वो वाली चीजें हम उनके अकॉर्डिंग कि कहाँ तक एक्सेप्टेंस है, कि सिग्मा लेवल तक एक्सेप्टेंस है, तो उसको हम एक्सेप्ट और रिजेक्ट का डिसीजन लेते हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो कंट्रोल चार्ट्स जो है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, एक तो है कंट्रोल चार्ट्स फॉर वेरिएबल्स, दूसरा है कंट्रोल चार्ट्स फॉर एट्रीब्यूट्स। कंट्रोल चार्ट्स यही है कि सैंपल को प्लॉट करते हैं ग्राफ में, उसमें हम कंट्रोल लिमिट जिसको CL बोलते हैं, अपर कंट्रोल लिमिट जिसको UCL बोलते हैं, लोअर कंट्रोल लिमिट जिसको लोअर कंट्रोल लिमिट जिसको हम LCL बोलते हैं। तो ये अब कंट्रोल चार्ट्स 2 टाइप्स के होते हैं, वेरिएबल्स के लिए और दूसरा है एट्रीब्यूट्स के लिए। वेरिएबल्स के लिए क्या होंगे, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वो करेक्टरिस्टिक्स जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ये क्वांटिटेटिव टर्म्स में हम इसमें कुछ ऐड सब्सट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि लेंथ, वेट, डायमीटर, टाइम, ये सब जो होते हैं ये वेरिएबल्स होते हैं। और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ काउंट कर सकते हैं। ये नॉमिनल डेटा होते हैं जिसके ऊपर हम कोई भी मैथमेटिकल फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकते, सिर्फ इनकी काउंटिंग कर सकते हैं या फिर यस और नो में आंसर दे सकते हैं इस चीज का, जैसे कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम, ये डिफेक्टिव आइटम है या नहीं है, तो वो यस और नो में आंसर दे सकते हैं हम उसका सिर्फ, तो उनको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। इसके अलावा जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको हम बोलेंगे वेरिएबल्स। अब जो वेरिएबल्स के लिए जो चार्ट होते हैं वो होते हैं एक्स चार्ट और आर चार्ट। एक्स चार्ट जो होता है वो मीन वैल्यूज देखते हैं उसमें हम, तो मीन चार्ट होता है, एक्स बार चार्ट बोलते हैं उसको। ऐसे ही रेंज के लिए होता है उसको आर चार्ट बोलते हैं। ये वेरिएबल के लिए जो कंट्रोल चार्ट्स होते हैं। दूसरा होता है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स में हम पी चार्ट और सी चार्ट होते हैं हमारे। पी चार्ट और सी चार्ट क्या होते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हमने देखा कि वेरिएबल्स के लिए एक्स बार चार्ट होगा और आर बार चार्ट होगा। एक्स बार चार्ट क्या होगा, इट इज कंस्ट्रक्टेड टू एग्जामिन वेदर द प्रोसेस मीन इज अंडर कंट्रोल और नॉट। हम इसमें मीन लेंगे कि मीन जो स्टैंडर्ड मीन है जो हमारे प्रोसेस में ड्यूरिंग द प्रोसेस हमारे प्रोडक्ट जो है उस स्टैंडर्ड मीन से कितना वेरी कर रहा है, जो हमारे प्रोडक्ट का एक्चुअल प्रोडक्ट का जो मीन है यानी कि क्वालिटी है, उसकी क्वालिटी का मीन जो है वो कितना वेरी कर रहा है जो हमारा स्टैंडर्ड मीन है उससे। ऐसे ही रेंज को देखेंगे कि रेंज हमारी है जो वो आर बार से कितना, आर बार कैलकुलेट करते हैं इसमें भी हम कि आर बार से हमारी जो रेंज है प्रोडक्ट की वो कितना वेरी कर रही है या नहीं कर रही है, हम कंट्रोल चार्ट्स की हेल्प से करते हैं।
तो ये एक्स बार चार्ट देख लेते हैं पहले क्या होता है। जैसे कि इस एग्जांपल में इक्वालिटी मैनेजर इक्वालिटी इंस्पेक्टर टुक 5 सैंपल्स ईच विद 4 ऑब्जर्वेशन ऑफ द लेंथ ऑफ टाइम फॉर ग्लू टू ड्राई, यानी कि ग्लू के ड्राई होने के 4 सैंपल्स लिए, 4 ऑब्जर्वेशन लिए हैं अलग अलग टाइम पे, 5 सैंपल्स लिए, उनके थ्रू देखा कि ग्लू के ड्राई होने में कितना टाइम लग रहा है और उसके लिए मीन टाइम भी निकाला। फिर उनका अलग अलग टाइम, जैसे कि फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन ली उसमें फर्स्ट जो सैंपल था वो 12.11 मिनट में, ये मिनट्स गिवन है, यानी कि 12.11 मिनट में वो ड्राई हो रहा था। सेकंड सैंपल 12.15 मिनट में जो है वो ड्राई हो रहा था। ऐसे ही ये 5 सैंपल्स लिए, तो इन 5 सैंपल्स की मीन वैल्यूज है निकाली। फिर मीन वैल्यूज ये हैं, एक्स बार है गिवन हमें। दूसरा क्या बोल रहे हैं कि जो ऑल द वैल्यूज आर इन मिनट्स, यूज दिस इंफॉर्मेशन टू ऑब्टेन 3 सिग्मा, 3 सिग्मा लिमिट लेनी। हमें कंट्रोल, हमें क्या निकालना होता है कंट्रोल चार्ट में, अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट और कंट्रोल लिमिट। तो वो लोअर, वो जो कंट्रोल लिमिट, अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट है, उसको हम 3 सिग्मा की हेल्प से निकाल लेंगे। वो 3 सिग्मा अब इस क्वेश्चन में ही गिवन है कि हमें 3 ही लेना है, अदरवाइज भी हम 3 ही लेते हैं नॉर्मल कंडीशन में, अगर गिवन ना हो तब भी। इट इज नोन फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंस दैट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्रोसेस इज 0.02 मिनट्स। हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए ना, 3 सिग्मा चाहिए, तो 3 तो गिवन है और सिग्मा भी चाहिए, सिग्मा की वैल्यू भी दे रखी है इन्होंने 0.02 मिनट्स। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक्स डबल बार चाहिए, जो हम एक्स डबल बार ही हमारी एक्स चार्ट में कंट्रोल लिमिट होती है, यानी कि कंट्रोल लिमिट कहाँ आएगी हमारी, कंट्रोल लिमिट जो सेंट्रल क्वालिटी है जो, वो हमारी क्या होगी, वो एक्स डबल बार होगी, यानी कि ग्रैंड मीन होगा जो मीन वैल्यूज का। तो इसमें क्या करेंगे, सम ऑफ मीन वैल्यूज डिवाइड बाय एन, एन हमारा 5 सैंपल्स थे तो एन हमारा 5 आ जाएगा, और सम ऑफ मीन वैल्यूज ये 12.10, 12.12, 12.11, 12.10 और ये 12.12, इन सबको ऐड करेंगे और 5 सैंपल्स है तो डिवाइड बाय 5 करेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 12.11। ये हमारी आएगी सीएल, यानी कि सेंट्रल लिमिट। इसके बाद हमें जेड गिवन था 3 लेना है, सिग्मा हमें गिवन है 0.02 लेना है, एन की वैल्यू गिवन है 4 लेनी है। ये एन की वैल्यू, यहाँ एन की वैल्यू कौन सी होगी, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 4 है ना, लेकिन जो हम हमारे जो हमने ग्रैंड मीन निकाला वो हमने 5 सैंपल्स का निकालना है, तो इसलिए वहां पे हम 5 लेंगे और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हमारी 4 है तो ये एन यहाँ पे 4 लेंगे। तो ऐसे ही हम अपर कंट्रोल लिमिट कैलकुलेट करेंगे, या कि ये क्या आएगी हमारी अपर कंट्रोल लिमिट, कि जो ग्रैंड मीन है उसमें हम प्लस करेंगे 3 सिग्मा तो वो हमारा आएगा अपर कंट्रोल लिमिट। अगर हम जो हमारी ग्रैंड मीन है उसमें से 3 सिग्मा माइनस करेंगे तो वो हमारी आएगी लोअर कंट्रोल लिमिट। तो अपर कंट्रोल लिमिट में ये हमारा ग्रैंड जो ग्रैंड मीन है वो क्या है, 12.11 प्लस करेंगे 3 सिग्मा, 3 सिग्मा की वैल्यू 0.02 डिवाइड बाय अंडर रूट एन, एन क्या है हमारा 4, तो ये हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 12.1। ऐसे ही लोअर कंट्रोल लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो जो ग्रैंड मीन है उसमें से माइनस करेंगे 3 सिग्मा, तो ग्रैंड मीन क्या 12.11 माइनस 3 सिग्मा क्या है 0.02 डिवाइड बाय रूट एन। ये सिग्मा की वैल्यू तो 0.02 है, लेकिन हम जो डिवाइड बाय अंडर रूट एन भी कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, ये सिग्मा की वैल्यू गिवन है लेकिन हमें सिग्मा एक्स बार लेना है, तो सिग्मा एक्स बार की वैल्यू यही होती है कि सिग्मा डिवाइड बाय रूट एन, तो इसलिए हम ये 0.02 डिवाइड बाय रूट एन यानी कि रूट 4 लेंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 12.08। अब इसको ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे, ये ग्राफ है इसका, तो ये कंट्रोल लिमिट हमारी, कंट्रोल लिमिट यानी कि हमारा जो ग्रैंड मीन आया था वो था 12.11, तो ये 12.11 हमारी कंट्रोल लिमिट हो गई। अपर कंट्रोल लिमिट की जो वैल्यू आई थी वो 12.14 है, ये हमने यहाँ मान ली कि ये 12.14 हमारी अपर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू है। ऐसे ही लोअर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू है 12.08 जो हमने कैलकुलेट की है, तो ये आ गई। और इसकी हेल्प से
हम सैंपल नंबर, हमारे 5 सैंपल्स थे, 5 सैंपल्स में हमने मीन भी कैलकुलेट किया था। ये मीन देखो, ये मीन है ना एक्स बार, ये एक्स बार की वैल्यू है 12.10, और ये सारी लाइन, ये नीचे वाली रो, तो ये एक्स बार की वैल्यू को हम जो है चार्ट में प्लॉट करेंगे। तो चार्ट में फर्स्ट सैंपल का मीन क्या था, ये X1, ये था हमारा 12.10, तो यहाँ 8 है, 0.8 है, तो यहाँ पे 0.9 होगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, ऐसे यहाँ पे 11 हो गया, यहाँ पे 12, 13 और यहाँ पे 14। तो ऐसे ही फर्स्ट सैंपल का मीन X1 बार, यहाँ पे X2 बार सेकंड सैंपल का मीन, ऐसे ही थर्ड सैंपल का मीन, और ये ऐसे ही हम पांचों सैंपल के मीन को इस ग्राफ में प्लॉट करेंगे। अब जब हम इनको ज्वाइंट करेंगे, ज्वाइंट करके देख सकते हो आप, तो इसकी यानी कि ये अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट, इन दोनों के बीच में आई है इनकी वैल्यू सारी। तो यानी कि सारे के जो वेरिएशन है, सारे के सारे वो नॉर्मल वेरिएशन है, रैंडम वेरिएशन है, हमारा कोई भी असाइनेबल वेरिएशन नहीं आया, तो हम सारे सैंपल्स को एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसे ही डिसीजन लेते इसमें, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट किया, ये था हमारा एक्स चार्ट जिसमें हमने एक्स बार कैलकुलेट किया, फिर एक्स डबल बार कैलकुलेट किया, इनकी ग्रैंड मीन कैलकुलेट किया, ग्रैंड मीन की हेल्प से कंट्रोल लिमिट, अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट हमने कैलकुलेट की। और अब हम करेंगे आर चार्ट। अब आर चार्ट क्या होता है, इसी सेम क्वेश्चन में, सेम एग्जांपल में, हम हमारे पास गिवन है ये सैंपल गिवन है और मीन गिवन है, एक्स बार गिवन है, इन वैल्यूज का, एक्स बार की वैसे हमें इसमें जरूरत नहीं है, आर चार्ट में हमें जरूरत है रेंज की। रेंज क्या होती है, लोअर वैल्यू माइनस में, सॉरी अपर वैल्यू माइनस में लोअर वैल्यू, तो यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें से हम मिनिमम वैल्यू माइनस करेंगे, हमारे सैंपल की ऑब्जर्वेशन की, जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है उसमें से माइनस करेंगे लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी आर की, इनकी रेंज आ जाएगी हमारी। तो ऐसे ही फर्स्ट सैंपल के जो लिए जो निकाल लेंगे वो होगी R1, सेकंड सैंपल के लिए R2, थर्ड के लिए R3, फोर्थ के लिए R4 एंड फिफ्थ के लिए R5। तो R1 क्या होगी, जो ये फर्स्ट सैंपल है इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है 12.11, लोएस्ट वैल्यू क्या है 12.08, तो यानी कि 12.11 माइनस 12.08, तो ये हमारा आ जाएगा 0.03, ये हमारी R1 आ गई। ऐसे ही हम R2 कैलकुलेट करेंगे सेकंड सैंपल में से, सेकंड सैंपल में हाईएस्ट वैल्यू क्या है 12.15, इसमें लोएस्ट वैल्यू क्या है 12.10, तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट यानी कि 12.15 माइनस 12.10, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.05। ऐसे ही थर्ड सैंपल के लिए, फोर्थ सैंपल के लिए और फिफ्थ सैंपल के लिए R1, R2, R3, R4 कैलकुलेट करेंगे। और इसमें हमें एक और चीज चाहिए है, जो हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिसाइड करने के लिए निकाल चाहिए है, वो चाहिए हमें D3 और D4 की वैल्यू। ये D3 और D4 की वैल्यूज जो होती है, ये कांस्टेंट होते हैं D3 और D4, ये हमें टेबल वैल्यूज होती है, ये D3 और D4, ये टेबल वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन होती है कि D3 की ये वैल्यू और D4 की ये वैल्यू, तो उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमने R वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। अब जो हमारी सेंट्रल लिमिट कैलकुलेट करेंगे, वो सेंट्रल लिमिट क्या होती है आर बार, यानी कि जो रेंज है इनका मीन निकालेंगे हम। तो ये रेंज है 0.03, 0.05, 0.06, 0.04, 0.05, और ये हमें डी की वैल्यूज गिवन है। पहले सबसे पहले आर बार निकालेंगे, आर बार क्या होगी हमारी सेंट्रल लिमिट सीएल, तो ये 0.03 और इनका मीन निकाला, सबको ऐड करके डिवाइड बाय 5, 5 सैंपल्स थे तो डिवाइड बाय 5, तो ये आर बार हमारा आ गया 0.046। तो ये 0.046 हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया, ये हमने 2-2 के डिफरेंस में, जो ये क्वालिटी स्केल है इसको लिया है 0.02 के डिफरेंस में, 0.02 से स्टार्ट किया, तो ऐसे 4, 6, 8, 12, 14, ये हमारी आ गई सेंट्रल लिमिट। इसके बाद हम निकालेंगे अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट। ये सेंट्रल लिमिट नहीं होती वैसे, कंट्रोल लिमिट होती है, ये सेंटर में होती है, इसलिए इसको सेंट्रल लिमिट बोलते हैं, ये होती है कंट्रोल लिमिट। इसके बाद अपर कंट्रोल लिमिट क्या होगी, D4 × R⁻। D4 हमें गिवन होगा टेबल वैल्यू, तो ये क्या गिवन है इस क्वेश्चन में 2.5, तो 2.5 × R⁻ क्या है 0.046,
इनकी मल्टीप्लाई की तो ये हमारे पास आ गई 0.115। ऐसे ही लोअर कंट्रोल लिमिट क्या होगी, डी थ्री इंटू आर बार, और डी थ्री की वैल्यू हमें गिवन है 0, तो 0 इंटू ये करेंगे तो 0 आ जाएगी। तो हमारी लोअर कंट्रोल लिमिट ये यहाँ पे 0 होगी, अपर कंट्रोल लिमिट ये हमारी 0.015 होगी, जो ये 12 और 10 के बीच में आएगी, क्योंकि 115 है ये, तो ये यहाँ आएगी कुछ समथिंग। तो अब जो वैल्यूज जो प्लॉट करेंगे वो हम आर की वैल्यू प्लॉट करेंगे, आर वन आर टू आर थ्री आर फोर। आर वन क्या है 0.03, तो ये यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट सैंपल का आर वन है जो 0.03, सेकेंड सैंपल के लिए आर टू 0.05। ये सारी वैल्यूज यहाँ पे प्लॉट करेंगे, ये सारी वैल्यूज भी आप देख सकते हो कि अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट इन सबके बीच में है, तो यानी कि हमारे जो वेरिएशन है वो सारे रैंडम वेरिएशन है, कोई भी असाइनेबल वेरिएशन नहीं है, तो हमें किसी भी सैंपल को रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट्स के लिए कंट्रोल चार्ट हम देखेंगे वो क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स हमने देखा कि वेरिएबल्स तो वो होते हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन एट्रीब्यूट्स को हम मेजर नहीं कर सकते। दीज आर काउंटेड रेदर देन मेजर्ड। देर आर टू टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स कंट्रोल चार्ट, वन फॉर फ्रैक्शन ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन ए सैंपल, जिसको हम पी चार्ट बोलते हैं, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स हमें निकालने कि टोटल आइटम्स में से डिफेक्टिव आइटम्स कितने हैं, ऐसा अगर क्वेश्चन में गिवन है तब हम पी चार्ट ड्रॉ करते हैं, और अगर हमें डिफेक्ट्स पर यूनिट निकालने होते हैं तब हम सी चार्ट का यूज करते हैं। तो पी चार्ट इज अप्रोप्रिएट व्हेन डेटा कंसिस्ट इन टू कैटेगरीज ऑफ आइटम्स। फॉर इंस्टेंस, इफ ग्लास बॉटल आर इंस्पेक्टेड फॉर चीपिंग और क्रैकिंग, बोथ द गुड बॉटल्स एंड डिफेक्टिव वंस कैन बी काउंटेड। दोनों को काउंट कर सकते हैं, तो जिनको हम काउंट कर सकते हैं कि वो डिफेक्टिव है या नहीं है, तो तब हम करते हैं यूज पी चार्ट का। लेकिन अगर किसी केस में हमें ये पॉसिबल ना हो कि डिफेक्टिव है या नहीं है, हम यस और नो में आंसर ना दे सके, इनकी यस का आंसर तो हो नो का आंसर ना हो हमारे पास, कि नहीं वाले कितने हैं। अब बॉटल्स अगर चीपिंग है या क्रैकिंग है तो हम काउंट कर सकते हैं कि जैसे 5 बॉटल्स चीपिंग है, 5 या 10 नहीं है चीपिंग, तो ये हम कैलकुलेट सॉरी काउंट कर सकते हैं ना इजीली। अगर हम काउंट ना कर सके, जैसे वन कैन काउंट द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम बट नॉट द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स दैट डिड नॉट अकर, तो ऐसी चीजें जिनको हम गिन सकते हैं वो तो हम वो किसकी हेल्प से करेंगे, पी चार्ट की, और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो हम करेंगे फिर सी चार्ट की हेल्प से। तो ऐसे आइटम्स जो पर यूनिट जिनकी वैल्यूज निकालनी हो डिफेक्ट पर यूनिट, तो वो सी चार्ट की हेल्प से करते हैं। अब पी चार्ट जो है उसमें हम कंट्रोल लिमिट्स डिसाइड करते हैं, और कंट्रोल लिमिट क्या होगी, पी पी की वैल्यू, पी वैल्यू जो होगी वो हमारी कंट्रोल लिमिट होगी जो सेंटर में आएगी। उसके बाद हम अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट कैलकुलेट करेंगे। अपर कंट्रोल लिमिट है वो हम इस फॉर्मूला की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे कि P प्लस जेड सिग्मा P, जेड की वैल्यू 3 लेते हैं नॉर्मल केस में, इसमें भी 3 ही ली जाएगी कि 3 सिग्मा यानी कि ये जेड की जगह 3 और सिग्मा सिग्मा पी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सिग्मा पी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूला की हेल्प से कि पी इंटू ये पी इंटू वन माइनस पी डिवाइड बाय एन, और ये इसका होल रूट अंडर रूट पी इंटू वन माइनस पी डिवाइड बाय एन, इसकी हेल्प से हम हमारा सिग्मा पी कैलकुलेट करेंगे। और सिग्मा पी अगर हमारे पास होगा, पी की वैल्यू हमारे पास होगी, तो अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट दोनों हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमें जैसे एग्जांपल गिवन है, एन इंस्पेक्टर काउंटेड द नंबर ऑफ डिफेक्टिव मंथली बिलिंग स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी टेलीफोन इन ईच 20 सैंपल्स यूजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंस्ट्रक्ट ए कंट्रोल चार्ट दैट विल डिस्क्राइब 99.74% ऑफ द चांस वेरिएशन इन द प्रोसेस व्हेन द प्रोसेस इज इन कंट्रोल। Each sample contains 100 statements. अब ये क्या बोल रहे हैं कि billing statements check करने की defective है या नहीं है। अब billing statements इन्होंने दिए कि 20 sample लिए हैं और हर sample में 100 statement है, यानी कि total number of statements कितनी होंगी 20 into 100, यानी कि 2000। और जो हमें sigma लेना है वो इन्होंने बताया है कि वो हमें
99.74% ऑफ चांस ऑफ वेरिएशन लेना है, यानी कि जो हमने ये देखा था इसमें, इस स्लाइड में, एक सेकेंड, ये देखो जो 3 सिग्मा पे वैल्यू होती है वो होती है 99.7%, 2 सिग्मा होता है तो वो 95 होता है, और 1 सिग्मा होती है तो 68% होता है। अब इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 99.7%, यानी कि हमें 3 सिग्मा ही लेना है इस क्वेश्चन में भी, तो 3 सिग्मा ही लेंगे। और 20 सैंपल्स हैं हमारे पास, तो देखते हैं पी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पी की वैल्यू, पी का क्या फॉर्मूला होता है, पी होता है रेशियो ऑफ डिफेक्टिव पीसेस, यानी कि नंबर ऑफ डिफेक्ट, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इससे हमारा डिफेक्टिव पीसेस का क्या रेशियो है वो आ जाएगा आउट ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, तो वो हमारी पी वैल्यू होगी। अब ये हमने लिख लिए यहाँ पे कि 20 सैंपल्स थे और ये नंबर ऑफ डिफेक्ट थे, यानी कि फर्स्ट सैंपल में 7 जो स्टेटमेंट है वो डिफेक्टिव है, सेकेंड सैंपल में 10 स्टेटमेंट डिफेक्टिव है, ऐसे ही थर्ड में 12, फोर में 4 सैंपल, सो 4 जो स्टेटमेंट है वो डिफेक्टिव है, तो ये नंबर ऑफ डिफेक्टिव स्टेटमेंट्स हैं। टोटल स्टेटमेंट्स हमारे पास 2000 है, तो पी की जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो क्या होगी, डिफेक्टिव कितने हैं टोटल 220 और टोटल स्टेटमेंट कितने हैं 2000, तो 220 डिवाइड बाय 2000 ये आ जाएगा 0.11, ये हमारी पी बार आ जाएगी, पी की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम मानेंगे हमारी कंट्रोल लिमिट। अब हम अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट भी कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमें चाहिए सिग्मा पी। सिग्मा पी की वैल्यू हमने देखा था कि पी इंटू 1 माइनस पी डिवाइड बाय एन, तो पी क्या है हमारा 0.11, तो पुट कर देंगे ये वैल्यू, ये पी बार माइनस 1 पी बार, इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट की तो ये हमारा आ गया 0.313। अब देखो इसमें हमने एन जो है वो 100 लिया है, यानी कि ये हमारा सैंपल साइज होता है, सैंपल साइज टोटल कितने है हमारे पास 100 जो स्टेटमेंट्स है ना, एक सैंपल के अंदर कितनी स्टेटमेंट है वो हम लेंगे इसमें, तो 100 है वो, तो सिग्मा पी हमारा ये आ जाएगा 0.313। सिग्मा पी हमें गिवन है, तो ये अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट है, इनकी वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अपर कंट्रोल लिमिट क्या होगी, पी बार प्लस 3 सिग्मा, पी बार की वैल्यू भी हमें गिवन है 0.11 प्लस में 3 सिग्मा पी, 3 इंटू सिग्मा पी, सिग्मा पी हमारा आ गया 0.313, तो ये आ जाएगी हमारी अपर कंट्रोल लिमिट 0.2034। ऐसे ही लोअर कंट्रोल लिमिट में 3 सिग्मा माइनस कर देंगे, तो 3 सिग्मा माइनस करके जो हमारी वैल्यू आएगी वो 0.0161 आएगी। अब ये तो हमने कंट्रोल लिमिट्स डिसाइड कर ली, अब हम ग्राफ में प्लॉट कर देंगे कि लोअर जो सेंटर में हम करेंगे 0.11, अपर में हम करेंगे ये 0.313 और लोअर में करेंगे 0.0161। लेकिन जो हम डॉट्स जो हम प्लॉट करेंगे वो डॉट्स कौन सी वैल्यू होगी, वो डॉट्स होगी हमारी पी वैल्यू। पी वैल्यू भी हर सैंपल के लिए पी वैल्यू, क्योंकि सैंपल देखते हैं ना कि कौन सा सैंपल रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है, तो सैंपल के लिए हम सैंपल की पी वैल्यू देखेंगे, तो सैंपल की पी वैल्यू क्या होगी कि उस सैंपल में नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स कितने हैं डिवाइड बाय उस सैंपल में टोटल आइटम्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स कितने हैं 7 फर्स्ट सैंपल में और टोटल कितने हैं 100, तो 7 बाय 100 किया तो 0.07 आ गई। हर सैंपल में 100 ही आइटम्स हैं तो, और ये नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम, तो 10 बाय भी 100 होगा, 12 बाय भी 100 होगा, तो ऐसे करेंगे तो ये इनकी पी वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास 0.12, 0.04, ऐसे करके हमारे पूरे 20 सैंपल्स की हम पी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और इस पी वैल्यू को ही अब हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ये ग्राफ है हमारा, पी वैल्यूज हमें ये गिवन है, ये कैलकुलेट की हमने अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट, ये 0.11 है, ये पी 0.11 है, ये जो अपर कंट्रोल लिमिट है ये 0.2039 ये अपर कंट्रोल लिमिट, ऐसे ही लोअर कंट्रोल लिमिट, और यहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशन ले लिए 1, 2, 3, 4, 6 ये 20 तक ऑब्जर्वेशन ले लिए। ये वैल्यू जो हमारी पी वैल्यूज थी, पी वैल्यू यानी कि ये वैल्यू, ये फर्स्ट सैंपल की कितनी है 0.07, तो सेकेंड फर्स्ट सैंपल की 0.07, ये यहाँ पे 0.1, ये 0.016 है, ये 0.1 है,
और 0.07 लेना है हमें, तो 0.07 समथिंग यहाँ लाए करेगा, ऐसे ही सेकंड सैंपल की जो वैल्यू है 0.1 है वो यहाँ पे लाए करेगी, ऐसे ही 0.12 था वो उसके ऊपर आ जाएगा, ऐसे ही हम सारे 20 सैंपल्स की जो इसमें प्लॉट करते हैं। अब 20 सैंपल्स की हमने प्लॉट की, तो ये 20th जो सैंपल था इसकी वैल्यू क्या थी, 0.21, तो ये 0.21 है और ये हमारी अपर कंट्रोल लिमिट है, इसकी वैल्यू जो है वो ये LCL आएगा, यूस LC नहीं आएगा, ये UCL आएगा, और ये अपर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू जो हमारी ये है ये 0.2034 है, लेकिन जो 20th सैंपल की वैल्यू है वो तो 21 थी ना, 0.21, तो ये इससे ज्यादा आ गई अपर कंट्रोल लिमिट से, यानी कि हमारा जो 20th सैंपल है उसकी जो 100 स्टेटमेंट है उनको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उनको कंट्रोल करने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं हमारी वेरिएशंस जो हैं बिल स्टेटमेंट्स में वो ज्यादा आ रहे हैं, उनको हमें कंट्रोल करने की जरूरत है, जो 20th सैंपल वाली जो स्टेटमेंट्स है उनको, बाकी सैंपल्स जो है हम उनको एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, ऐसे ही ये सारी प्लॉट करेंगे, ये सारी इसके अंदर ही आएंगी, सिर्फ ये 20th की अलग थी इसलिए मैंने ये 20th वाली अलग करके दिखाई है आपको। अब सी चार्ट कब करेंगे, जब काउंट करना भी पॉसिबल ना हो और पर यूनिट डिफेक्टिव आइटम्स हमें कैलकुलेट करने हो तब हम सी चार्ट का यूज करेंगे। सी चार्ट में भी हम सी की वैल्यू होगी वो हमारी सेंट्रल लिमिट होगी, यानी कि कंट्रोल लिमिट होगी, और अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो सी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल्स, तो हमारी आ जाएगी सी बार आ जाएगी, सी वैल्यू आ जाएगी, सी वैल्यू हमारी कंट्रोल लिमिट होगी, और उसकी हेल्प से सी प्लस जेड रूट सी, इस फॉर्मूला से हम अपर कंट्रोल लिमिट और LCL और यानी कि लोअर कंट्रोल लिमिट माइनस कर देंगे ये जेड की वैल्यू, और जेड क्या होगा, 3 3 लेना, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा की जगह हमें यहाँ पे 3 रूट सी लेना है, 3 रूट सी ऊपर, 3 रूट सी ही नीचे, वो प्लस और माइनस हो जाएगा। अब इसके लिए जैसे ये एग्जांपल गिवन है कि रोल्स ऑफ ए कोइल्ड वायर आर मॉनिटर्ड यूजिंग ए सी चार्ट, 18 रोल्स हैव बीन एग्जामिन एंड द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर रोल हैज बीन रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग टेबल। ये सैंपल है हमें, 18 सैंपल है हमारे पास, नंबर ऑफ डिफेक्ट भी दे रखे हमने, हमें पर सैंपल नंबर ऑफ डिफेक्ट दे रखे, यानी कि पर सैंपल नंबर ऑफ डिफेक्ट दे रखे, तो ये वो सी वैल्यूज ही दे रखे हैं जो हमें ग्राफ में प्लॉट करनी है, ये नंबर ऑफ डिफेक्ट, तो ग्राफ में हम सीधा नंबर ऑफ डिफेक्ट प्लॉट करेंगे, जैसे फर्स्ट सैंपल के लिए 3 को प्लॉट करेंगे, सेकंड सैंपल के लिए 2 को, जैसे हमने वहां पे पी वैल्यूज निकाल के की थी, पी वैल्यू जैसे 0.07 निकाला था उसको ग्राफ में प्लॉट किए थे, यहाँ हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हर सैंपल के लिए सी वैल्यू दी हुई है हमें, पर यूनिट ही दिया हुआ है ना ये, पर सैंपल ही हमें दिया हुआ है ना कि पर सैंपल इतने डिफेक्ट है, तो उसको हम इन्हीं को प्लॉट करेंगे, और टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट हमारे पास है 45। सी की वैल्यू हम कैसे, सी का फॉर्मूला यही था ना, नंबर ऑफ डिफेक्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल, तो डिवाइड नंबर ऑफ डिफेक्ट 45 और नंबर ऑफ सैंपल 18 है टोटल, तो 45 डिवाइड बाय 18 हम करेंगे तो हमारी सी की वैल्यू आ जाएगी, 45 डिवाइड बाय 18 की तो हमें हमारी वैल्यू आ गई 2.5, ये हमारी सी की वैल्यू आ गई, यानी कि ये हमारे कंट्रोल लिमिट आ गई। इसके हेल्प से अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट कैलकुलेट करेंगे, सी बार प्लस 3 3 यानी कि जेड जेड यानी कि 3 और अंडर रूट सी, तो ये हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगी 7.24, ऐसे ही लोअर कंट्रोल लिमिट में माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी हमारी -2.24। अब ये माइनस में आई है, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है कि जो पी वैल्यू है पी चार्ट में और सी चार्ट में, अगर लोअर कंट्रोल लिमिट है वो माइनस में आती है तो वो माइनस में हम नहीं लिखेंगे, उसको हम जीरो मानेंगे। माइनस में क्यों नहीं लिखेंगे कि ये, क्योंकि ये नंबर ऑफ डिफेक्ट को शो करती है और नंबर ऑफ डिफेक्ट जो वो माइनस में नहीं हो सकते, यानी कि कोई आइटम हम ये बोल सकते हैं ना कि आइटम डिफेक्टिव है या नहीं है, अब डिफेक्ट है वो कितना है ये देख सकते हैं, माइनस में नहीं जाएगा ना वो डिफेक्ट की काउंटिंग, की डिफेक्ट -2 डिफेक्ट है, -2 डिफेक्ट कैसे होगा, सैंपल ही हमारे पास जो एक है वो या तो होगा उसमें डिफेक्ट या नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको माइनस में ना लेके इसको जीरो लेंगे लोअर कंट्रोल लिमिट को, तो इसमें माइनस में आई तो इसको हम जीरो लेंगे, तो ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे, ये लोअर कंट्रोल लिमिट है जीरो, ये अपर कंट्रोल लिमिट आ जाएगी, कैलकुलेट करेंगे तब इस फॉर्मूला की हेल्प से, ये कैलकुलेट किए ना हमने 2.5 प्लस
3 × 2.5, ये 3 × √2.5 किया है, तो ये आ गई हमारी अपर कंट्रोल, और ऐसे ही लोअर कंट्रोल आई थी माइनस में, हमने 0 ले ली, और ये सेंट्रल लिमिट, ये कंट्रोल लिमिट, ये कंट्रोल लिमिट हमारी सी की वैल्यू हुई थी, सी बार जो कि नंबर ऑफ डिफेक्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल किया था, तो 2.5 आई थी, तो ये हो गए। और ये जो बीच में हमने प्लॉट किए हैं, ये डॉटेड पॉइंट कौन से हैं, ये डिफेक्ट पर सैंपल है, ये डिफेक्ट पर सैंपल, यानी कि फर्स्ट सैंपल में इतने डिफेक्ट थे, सेकंड सैंपल में इतने डिफेक्ट थे, थर्ड में इतने थे, फोर्थ में इतने, फिफ्थ में इतने थे, ऐसे 15 के प्लॉट करेंगे। और ये अगर इसके अंदर ही आ रहे हैं सारे डॉटेड पॉइंट, तो सारे यानी कि रैंडम वेरिएशन है, हमें इतना जो हमारी प्रोसेस है, प्रोडक्शन प्रोसेस है, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रैंडम वेरिएशन ही है, ये तो आते ही है। इसके अलावा अगर अगर हमारा कोई भी डॉटेड पॉइंट अपर कंट्रोल लिमिट या लोअर कंट्रोल लिमिट के ऊपर या नीचे है, बाहर है यानी कि इनसे, तो हमें हमारे वो असाइनेबल वेरिएशन है, और उनको हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, और उनको ध्यान में रखते हुए हमें हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस को चेक करने की जरूरत है। तो ये जो स्टेटिस्टिकल चार्ट्स हैं, ये कंट्रोल चार्ट्स हैं, इनकी हेल्प से हमें पता चलता है कि हमें कब हमारे सैंपल को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, या हमें कब हमारी प्रोसेस को रीचेक करने की जरूरत है, ये हमें बताते हैं ये कंट्रोल चार्ट्स। तो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और शेयर भी जरूर करना, और अगर आपका कोई सजेशन है, कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।